शिमला में आशियाना में जो कांग्रेस और एनएसवाई के लड़कों ने वहां पर जिस प्रकार से गुंडागर्दी की, लाहौल के पूर्व विधायक रवि ठाकुर और हमारे पार्टी के अन्य साथियों के साथ भी आशियाना में जिस तरह से गुंडागर्दी की, उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और मैं इस बात को देख रहा हूं कि बौखलाहट में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व तो इस कदर ऐसी हरकतें करने लग पड़ा है जिसे साफ मालूम पड़ रहा है कि उनकी हिमाचल प्रदेश से सत्ता जारी है और लोकसभा के चुनाव में भी उनकी करारी हार होने वाली है। और ये सारी घटनाएं अगर शिमला में होती हैं और शिमला में भी रिज के मैदान पर होती हैं, आखिरकार इसका जिम्मेवार कौन है? क्या ये जिम्मेवारी प्रशासन की नहीं बनती है? जब पूरे देश भर में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के पश्चात ये सुरक्षा सिर्फ कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस के नेताओं को ही सीमित रहनी है क्या? चुने हुए प्रतिनिधियों के खिलाफ इस प्रकार की हरकतें, इस प्रकार से व्यवहार करना और हर्ष महाजन जो सांसद चुने गए हैं अभी, उनकी उपस्थिति में मैं समझता हूं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिला प्रशासन की मैं अगर शिमला की अगर मैं बात कहूं, पुलिस रिपोर्टिंग रूम के सामने मर्डर हो जाता है और अभी उसके बाद रिज के मैदान पर आशियाना में हमारे पार्टी के नेताओं के ऊपर इस प्रकार से हमला होता है, आखिरकार सुरक्षित कौन है? अगर शिमला के रिज के मैदान में माल रोड पर ये घटना इस प्रकार से घटित हो रही है तो मैं समझता हूं जो दोषी अधिकारी है जिनको ऊपर कानून व्यवस्था को लागू करने का जिम्मा है, आखिरकार चुनाव आयोग इस संदर्भ में कब तक इंतजार करे? निश्चित रूप से इस पर इसका संज्ञान लेना चाहिए और इसमें आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए। मेरा यह कहना है कि हिमाचल प्रदेश में आज की परिस्थिति में जो हालात बने हैं वो एक तरह की अनार्की फैल गई है। कहीं भी कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, न जनप्रतिनिधि सुरक्षित है और न ही लोग सुरक्षित हैं। और हिमाचल प्रदेश में ये परिस्थिति इस कारण से बनी क्योंकि हिमाचल की सरकार बहुमत में नहीं रही है, वो अपना बहुमत खो चुकी है, वो जनादेश खो चुकी है और जनादेश खोने के साथ लोकप्रियता खो गई है। और जब चुनाव के दौर में इसमें लोगों के बीच में जा रही है तो उनको लग रहा है कि बहुत कम वक्त उनके पास बचा है और ऐसे में गुंडागर्दी और दहशतगर्दी फैला करके माहौल को खराब किया जाए ताकि लोगों को डराया जा सके।